हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जो है वो इस वक्त सिल्वर मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया से खास बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ। बिल्कुल, देखिए बड़ी राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, देवेंद्र झाझड़िया ने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। और देवेंद्र झाझड़िया हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरे राजस्थान की तरफ से, फर्स्ट इंडिया की तरफ से। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, सबको उम्मीद ये थी कि फिर सोना आएगा, हालांकि थोड़ी सी निराशा लगी, लेकिन फिर भी आपने सिल्वर जीता, लगातार तीसरा मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मेडल की हैट्रिक बनाने का एक सपना था मेरा और वो सपना आज पूरा हुआ है, और कहीं ना कहीं गोल्ड से चूका हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस बेहतर दी है मैंने, और मैंने गोल्ड का बहुत प्रयास किया। खैर, सिल्वर पे रहा, लेकिन सबसे मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात आज कि मैंने देश के लिए तीसरा मेडल जीता है। लेकिन 17 साल का लंबा कैरियर, युवा खिलाड़ी होते हैं, उसके बावजूद आपने ये जज्बा कायम रखा। एक समय था जब पिछले ओलंपिक के बाद आपको एक बार निराशा हुई थी कि शायद मैं ये खेल छोड़ दूं, फिर ये जज्बा कैसे वापस आया? बिल्कुल, शोल्डर की काफी इंजरी हो गई थी और इंजरी में 2-3 साल लगातार इंजरी रही। 16 से लेकर के 21 तक मैंने कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरा और उन्होंने कहा बिल्कुल आप 20 का ओलंपिक खेल सकते हो, मेडल जीत सकते हो। कहीं ना कहीं आज लग रहा है कि मैंने अच्छा किया, लगातार गेम को जारी रखा और एक अच्छी ट्रेनिंग प्लान से हमने ट्रेनिंग की, आज उसी का रिजल्ट है। शुरुआत में एक बार आप निराश लगे थे, शुरुआती जो आपने जेवलिन फेंका था, तो क्या था मन में? एक नहीं, कहीं ना कहीं आज मेरा एक्सपीरियंस भी मुझे काम आया। मैं बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, फर्स्ट सेकंड थ्रो में मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैंने मेरा बैलेंस बनाए रखा, तो इसलिए मैं फिर अच्छा कर पाया। देवेंद्र जी, जब टोक्यो गए थे उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की थी, उत्साह बढ़ाया था, आपसे काफी चर्चा की थी, तो उनका उत्साह कहीं ना कहीं आपके जहन में था, उनका उत्साह बढ़ाना? बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री आपको विदाई देता है, परिवार से बात करता है, उसी जज्बे के साथ हम गए थे और मेरे से तो विशेष तौर पे कहा कि देवेंद्र जी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप तो मेडल जीतोगे, दबाव नहीं मानना है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी फोन करके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा फील होता है, देश का प्रधानमंत्री आपको बधाई देता है। ऐसा कोई अवार्ड या सम्मान नहीं है जो आपको नहीं मिला, अर्जुन अवार्ड हो, पद्म हो, खेल रत्न हो, अब क्या आगे उम्मीद है, क्या आपके लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा है कि मैं देश के लिए अच्छा कर सकूं, और वो किया है मैंने। अवार्ड, इस सरकार ने अवार्ड, मान सम्मान इतना दिया इस देश ने मुझे, करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, सभी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देवेंद्र जी, राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है कि आज खेल दिवस के दूसरे दिन सोना भी आया है, चांदी भी आई है, कांसा भी आया है। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता, आपने सिल्वर जीता, आपके साथ ही सुंदर ने ब्रॉन्ज जीता है, तो उनके लिए क्या कहना आपका? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान ने आज मेडल की हैट्रिक लगाई है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और मैंने भी हैट्रिक लगाई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा दिन था वहाँ। घर पे बात हुई आपकी, घर पे बात हुई है, बातचीत हुई है? जी, मेरी हो गई बात घर पे। चलिए देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, फर्स्ट इंडिया की तरफ से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो हमसे जुड़े थे सीधे टोक्यो से, और उन्होंने जो एक पदकों की हैट्रिक बनी है उस पर खुशी जताई है, उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन सिल्वर भी कम नहीं है, और साथ ही उन्होंने अपने उन साथी दोनों खिलाड़ियों को भी बधाई दी है जिन्होंने आज ही के दिन गोल्ड भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है।